प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को रायपुर में 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे में आए हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में उनका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हम अनेक मंचों से मिलते हैं और नीति आयोग आदि की बैठक में मिलते हैं। हम मांगे भी करते हैं लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता। हम तो मांगते ही रहेंगे लेकिन और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। फिर भी इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मदद हमको मिलती रहे। मंडाविया जी, आदरणीय सिंहदेव जी, आदरणीय प्रसाद साहू जी, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री अमिता सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, नारायण सिंहदेव जी, अरुण साहु जी, सांसद सुरेश सिंह जी और सभी उपस्थित दिल्ली में सत्रों करता है। हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज एक दूसरे दौरे में हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ के घर में उनका स्वागत है। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलकर ही नीति आयोग में भी निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठते हुए और मुझे खुशी हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज्यादा ही नहीं होती है। आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे। केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न करते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल संघ हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय।